विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख के बावजूद शादी ब्याह और जाड़े की मांग बढ़ने के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों, सोयाबीन तेल तिलहन और बिनोला तेल कीमतों में फिलहाल सुधार देखने को मिल रहा है। मूंगफली की नई फसल की बाजार में आवक बढ़ने तथा विदेशों में निर्यात मांग बढ़ने के बीच इसके तेल तिलहनों तथा सीपीओ और पामोलिन सहित अन्य की कीमतों में बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं आया है। मिली जानकारी के मुताबिक मलेशियाई एक्सचेंज में लगभग 2% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि शिकागो एक्सचेंज में लगभग 3% के आसपास तेजी देखने को मिली, जो फिलहाल लगभग कमजोरी के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है। वहीं मलेशिया और शिकागो एक्सचेंज में गिरावट के रुख के बावजूद देश की मंडियों में मूंगफली की आवक बढ़ने के बीच निर्यात मांग और जाड़े की मांग बढ़ने से मूंगफली तेल तिलहन की कीमतों में फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी नहीं आई है। वहीं पामोलिन तेल का भाव सस्ता होने की वजह से भारत के साथ साथ विदेशों में भी पाम तेल की मांग बढ़ गई है। 4 महीने पहले पाम तेल का भाव, पामोलिन का भाव $2150 प्रति टन हुआ करता था, वो अब घटकर $1060 प्रति टन पहुंच गया है। इसी कारण इसकी मांग बढ़ती दिखाई दी है। इसके अलावा इस बार शादियों की संख्या रिकॉर्ड होने जा रही है, साथ ही जाड़े की ओर निर्यात मांग बढ़ने के बीच अधिकांश खाद्य तेल तिलहन कीमतों में सुधार आया है। इस दौरान हल्के तेलों की मांग काफी बढ़ गई है, लेकिन बावजूद इसके सीपीओ और पामोलिन तेल के भाव में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिला। सरकार ने खाद्य तेल तिलों के संदर्भ में जो स्टॉक रखने की सीमा को खत्म किया है, उससे खाद्य तेल उद्योग, किसान और खुदरा व्यापारी खुश है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ठीक इसी तरह का कदम उठाते हुए सरकार को सूरजमुखी और सोयाबीन तेल के शुल्क मुक्त आयात के लिए 20-20 लाख टन की कोटा व्यवस्था को भी समाप्त कर देना चाहिए। इससे आयात बढ़ेगा और जिससे तेल की कीमतें नरम हो सकती हैं। इस काम को जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि शादी ब्याह और जाड़े में हल्के तेलों की मांग को पूरा करने के लिए आयात को फिलहाल बढ़ाना जरूरी है। बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो खाद्य तेल की कीमतों में हल्का दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।